हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी वॉरियर्स। आज से हम क्लास 8 की एनसीईआरटी की लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं 8th क्लास एनसीईआरटी का। सो जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो दोस्तों, मैंने मेन कंटेंट को हाईलाइट किया हुआ है, तो हम शुरू करेंगे। जैसे कि हमने बोला कि जो चैप्टर का नाम है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आइए हम शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। हमें पता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए होता है, और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर ओन फूड। तो जो भी एनिमल्स या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स खाना खाते हैं उनको उनसे एनर्जी मिलती है, और वो उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस, जिसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन आता है। तो अगर हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें, क्योंकि हम काम जो इस चैप्टर का जो नाम ही है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में अगर हम देखें कि 10,000 BC तक जो ह्यूमन था, जो मैन था, वो नोमैडिक था, वो खाना बदोश था, एक जगह से दूसरी जगह पे वांडर करता रहता था, घूमता रहता था। तो वो कच्चा फ्रूट और वेजिटेबल्स खाता था, और एनिमल्स को हंट करता था, उनका शिकार करता था, और कच्चा मांस ही खाता था। पर लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने लैंड को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया और राइस को उगाना शुरू कर दिया, वीट और अदर फूड क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया। तो वहीं से जन्म हुआ एग्रीकल्चर का। तो अगर हम क्रॉप की बात करें कि क्रॉप क्या होता है, क्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है, कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही किस्म की प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं एक ही जगह पे, तो उसको क्रॉप बोला जाता है। उसके बाद हम देखें कि यहाँ पे क्रॉप्स की कुछ टाइप्स दी हुई हैं कि खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं। इसमें हमारे पास जो सीज़न आता है रेनी सीज़न का, वो होता है इंडिया में जून टू सितंबर के बीच में, और इनमें जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो है पैडी है, मेज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है एंड कॉटन है। तो जो सेकंड रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। इसमें हमारे पास अक्टूबर टू मार्च के बीच का टाइम आता है। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स आती हैं रबी क्रॉप्स की, वो आती हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड। जो हमारे पास थर्ड टाइप की क्रॉप्स आती हैं दोस्तों, वो होती हैं जायद क्रॉप्स, जिनमें हमारे पास फ्रूट्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आते हैं, और इनको हम समर सीजन में ग्रो करते हैं। तो हमें पता है कि जब जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो कल्टीवेशन जो है क्रॉप्स की, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर हमने कोई फसल को उगाना है, किसी फसल को ग्रो करना है, तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हमारे पास कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है। उसके बाद सोइंग, हमें बीज उगाने हैं। उसके बाद एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, हमें उसमें खाद डालनी है। उसके बाद इरीगेशन आता है, हमें सिंचाई करनी है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हमें अनवांटेड प्लांट्स से अपनी फसल को बचाना है। उसके बाद हार्वेस्टिंग आती है, और लास्ट में स्टोरेज आता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन ऑफ सॉइल को। तो हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं अपनी फसल के लिए। वो क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, सॉइल को जब हम टर्न करते हैं, तो वो क्या करता है कि उसके जो क्लस्टर्स बने होते हैं, जो क्रम्स बने होते हैं, बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी रहती है, हम उसको लूज़ करते हैं, ताकि उसमें से अच्छे से रूट जो है वो काफ़ी नीचे तक जा सकें, फसल की वो अच्छे से ब्रीथ कर सके, और उनको अच्छे से वाटर भी मिल सके। जब वो सॉइल जब लूज़ होती है, तो वो हेल्प करती है ग्रोथ ऑफ अर्थ वॉर्म्स एंड माइक्रोब्स को, जो बेनिफिशियल होते हैं फार्मर की फसल्स के लिए, और वो ह्यूमस भी ऐड करते हैं हमारी फसल्स में। उसके बाद हम देखेंगे जो सॉइल होती है उसमें मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स भी होते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोज किए जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स की वजह से। उसके बाद वो क्या करते हैं, जब वो डिकम्पोज होते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं हमारी सॉइल को। तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, इसलिए हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं अपनी फसल के लिए।
हमें पता है कि हम जब सॉइल को प्रिपेयर करते हैं तो ओनली टॉप लेयर की जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, फ्यू सेंटीमीटर्स की, हम उसी को लूज़ करते हैं, उसी को टर्न करते हैं, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो टॉप में आ जाती है और प्लांट्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मेन जिस प्रोसेस के तहत ये किया जाता है उसको टिलिंग या फिर प्लफिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज टिलिंग और प्लफिंग, एंड दिस इज डन बाई यूजिंग अ प्लफ। जैसे हम इस फिगर में देख रहे हैं, ये प्लफ है जिसका प्लफ शाफ्ट होता है, प्लफ शेयर होता है, बीम होता है। इसमें इसको फार्मर अपने बैल के साथ कनेक्ट करने के बाद इसको अपने फील्ड्स में सॉइल को प्रिपेयर करता है अपनी फसल को उगाने के लिए। तो प्लफ्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स, जैसे हम बोल रहे हैं कि जो प्लफ्ड जिनको जिनके ऊपर हमने हल चलाते हैं उन पर उन उन फील्ड्स में उन खेतों में बहुत बड़े बड़े क्लम्प्स होते हैं सॉइल के, जिनको हम क्रम्स बोलते हैं। इन क्रम्स को लूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन क्रम्स को लूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि उसमें प्लांट्स को या फिर हमारी फसलों को अच्छे से ग्रो करने के लिए वाटर मिल सके, एयर अच्छे से हमारी जो रूट्स हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट कर सकें, उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। उसके बाद हम टिली करने से पहले मैन्योर भी डालते हैं ताकि उससे अच्छे से मैन्योर जो है, जो खाद है, वो अच्छे से उसमें से मिक्सअप हो जाए। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स अगर हम देखें, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट वाटर। जिन हमें सॉइल क्लम्प्स जो होते हैं, सॉइल जो बहुत सारी इकट्ठी हो रखी होती है, कुछ क्लस्टर्स में हमें उनको लूज़ करना होता है ताकि हमें अच्छी यील्ड मिल सके। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज़ आर द प्लफ, हू एंड कल्टिवेटर। तो हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं इन इन क्लम्प्स को तोड़ने के लिए। हमारे पास प्लफ आती है, उसके बाद हमारे पास हू आता है। तो हु क्या होता है दोस्तों, हु इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, जिससे हम वीड्स को रिमूव करते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को और सॉइल को लूज़ करते हैं। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। हम डायग्राम में देखेंगे दोस्तों, ये फिगर है जिसमें हु की डायग्राम दी हुई है। इसमें ग्रिप होता है, हैंडल होता है, बीम होता है, रॉड होता है और एक बेंट प्लेट होती है, जिससे क्या करते हैं इसे बेंट प्लेट से हम क्या करते हैं कि ये जो सॉइल है उसको लूज़ करते हैं, उनमें क्लम्प्स को हम तोड़ते हैं और उसके बाद वीड्स को भी रिमूव करते हैं। उसके बाद कल्टीवेटर आता है दोस्तों, जिसमें हम ट्रैक्टर ड्रिवन, आज के टाइम पे अगर हम प्रेजेंट डेज की बात करें तो ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेशन की जाती है। तो दोस्तों जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है, अब हमने सॉइल को तो प्रिपेयर कर लिया, अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों वो है सोइंग। हमें सीड को क्या करना है, उगाना है। हमने सीड अपने हमें अपने बीजों को सॉइल में डालना है, जिससे कि हमें गुड क्वालिटी क्लीन और हेल्दी सीड्स चाहिए होते हैं। पर इसके लिए हम इन्हीं अच्छी क्वालिटीज़ के सीड्स को ही सिलेक्ट करते हैं ताकि हमें अच्छी यील्ड मिल सके। इसमें हम क्या करते हैं कि हमें हमारे पास कुछ वेज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिससे हम अच्छे सीड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक हमारे पास एक तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि सीड्स को पानी में डालते हैं और जो डैमेज सीड्स होते हैं, जो हॉलोज या फिर ख़राब सीड्स होते हैं, वो पानी में फ्लोट करने लगते हैं और जो फ्लोट करने लगते हैं सीड्स, हम उनको बाहर रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिससे हम सो करते हैं। इसमें हमारे पास एक आता है ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फंडल। हम फंडल में क्या करते हैं दोस्तों, फंडल में सीड्स को डालते हैं, ऐसे इस फिगर में दिखाया जा रहा है। तो वो फंडल में कुछ पाइप्स लगी होती हैं नीचे, वो ऊपर से वन बाई वन सीड्स आते हैं और वो यूकट डिस्टेंस के ऊपर सॉइल के अंदर परकुलेट कर जाते हैं और वहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों आता होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल से भी हम क्या करते हैं, सीड्स को सो, इन बीजों को सो करते हैं, उगाते हैं, सीड्स को डालते हैं हम अपने इस सॉइल में, यूनिफॉर्मली डालते हैं ड्यूकल डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो इससे क्या होता है कि अगर हमने अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन किया होगा सीड्स को सो करने में, तो विच एंड दैट इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। ओवर क्राउडिंग को रिमूव करना है जिससे कि सफिशेंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर्स फ्रॉम द सॉइल अच्छे से प्लांट्स को मिल सके। थर्ड आता है दोस्तों, जब हमने प्रिपेयर कर लिया, हमने सो भी कर लिया, पहले हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद हमने सीड्स को डाल दिया, उसके बाद थर्ड हमारे पास मेथड आता है कि अब इसमें हमने मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर को ऐड करना है। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो दोस्तों जो मैन्योर होती है वो इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट आर एनिमल वेस्ट। मैन्योर जो है वो दोस्तों हम घरों में आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से मिलती है। फार्मर्स क्या करते हैं, डंप करते हैं प्लांट और एनिमल वेस्ट को पिट्स में, गड्ढों में डालते हैं एट ओपन प्लेसेस और उसको डिकम्पोज होने के लिए रख देते हैं। तो डिकम्पोजिशन होती है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसके बाद ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपेयर की जाती है।
अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स केमिकल्स के थ्रू प्रिपेयर की जाती है, हालांकि ये न्यूट्रिएंट रिच होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, उसके बाद सुपर फॉस्फेट है, पोटाश है, NPK है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। जो फर्टिलाइजर को जब हम इस्तेमाल करते हैं ये हमें बेटर यील्ड तो देता है, जैसे कि वीट, पैडी और मेज़ के लिए जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बट अगर हम फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी सॉइल को लेस फर्टाइल कर देता है, उतनी ज़्यादा फर्टिलिटी मेंटेन नहीं रख पाती सॉइल। फर्टिलाइजर्स एक सोर्स भी है वाटर पोल्यूशन का, उसके बाद इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्यूर। आज के टाइम पे हमारे जो ऑर्गेनिक खेती है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि सिक्किम हमारी देश की पहली ऑर्गेनिक स्टेट बन चुकी है, तो वैसे ही अभी फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस किया जा रहा है मैन्यूर से, ताकि हमें बेटर यील्ड्स मिल सके और वाटर पोल्यूशन या फिर सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन किया जा सके। यूज़ ऑफ मैन्यूर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर सॉरी एज वेल इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे पास एक और मेथड रहता है, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से भी सॉइल की न्यूट्रिएंट्स रिच क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। दोस्तों अगर फर्टिलाइजर और मैन्यूर में कुछ डिफरेंस देखें तो फर्टिलाइजर जो है इट इज़ ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वेयर एज मैन्यूर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज। सेकंड हम देखें फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज और मैन्यूर जो है वो हम खेतों में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर जो है वो कोई भी ह्यूमस को कुछ भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है वो सॉइल को, वेयर एज मैन्यूर जो है वो लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को, विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द सॉइल फर्टिलिटी। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, वेयर एज मैन्यूर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अगर हम एडवांटेजेस अब देखें मैन्यूर के, तो ये मैन्यूर क्या करता है, इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है सॉइल की पोरस कैपेसिटी बढ़ा देता है, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बढ़ जाते अच्छे से हो पाती हैं। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स की ग्रोथ को बढ़ाता है और इट इम्प्रूव्स द टेक्स्चर ऑफ द सॉइल, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन होती है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है, अब हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, उसमें सीड्स डाल दिए, उसके बाद मैन्यूर और फर्टिलाइजर भी डाल दिया है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इरीगेशन। अब हमें सिंचाई करनी है। वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स के लिए। अलॉन्ग विद वाटर, वाटर के साथ साथ ही जब वो वाटर को बाय जाइलम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं प्लांट्स, तो मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी उसके साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। जब हम सप्लाई करते हैं क्रॉप्स को वाटर की एट रेगुलर इंटरवल्स टाइम टाइम के बाद, तो उसको हम इरीगेशन बोलते हैं। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं इरीगेशन के, इसमें हमारे पास कुएं आते हैं, ट्यूबवेल्स आती हैं, तालाब आते हैं, लेक्स आती हैं, नदियाँ, डैम्स और कैनल्स, सब ये सारे के सारे सोर्सेस हैं हमारी इरीगेशन के। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स है, इसमें मोट या फिर पुली सिस्टम आता है, जैसे कि फिगर्स में देख रहे हैं, चेन पंप है, ढेकली है हमारे पास, उसके बाद राहत है, ये सारे के सारे जो है ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं दोस्तों, जिसमें हम क्या करते हैं इरीगेशन करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास वाटर लिफ्टिंग पंप्स हैं, जो कि डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर एनर्जी से चलते हैं। अगर हम मॉडर्न मेथड्स देखें इरीगेशन के, मॉडर्न मेथड का मतलब है दोस्तों कि आजकल जहाँ पे पानी की कमी है, इससे हम वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास दो मेथड्स आते हैं, एक है स्प्रिंकलर सिस्टम और सेकंड है हमारे पास ड्रिप सिस्टम। अगर हम स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करें, जहाँ पे अनइवन लैंड है, जहाँ पे यूनिफॉर्मली लैंड नहीं है और वाटर भी सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं, जिसमें जो रोटेटिंग नोजल्स जो होती हैं वो रोटेटिंग होती हैं टॉप के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया जा रहा है। परपेंडिकुलर पाइप्स हैं, उनमें से कुछ आर्म्स निकल रही हैं, कुछ पाइप्स निकल रही हैं, और वो जो उनकी टॉप हैं वो सारी की सारी उसमें से क्या है वो रोटेट करती हैं, और एंड दे आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर। हमारे पास क्या है आर्म्स हैं उनकी, जिससे पानी डायरेक्ट क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन वहाँ से पानी निकलता है और पूरे पूरे खेत में वहाँ पे पानी को स्प्रिंकल कर दिया जाता है दोस्तों। तो व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप,
it escapes from the rotating nozzles, it gets sprinkled on the crop as if it is raining. तो सेकंड हमारे पास जो मेथड आता है दोस्तों वो है ड्रिप सिस्टम. जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली हम रूट्स में सप्लाई कर देते हैं. सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम. इट इज अ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स गार्डन्स एंड ट्रीज. वाटर को वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है और ये बूंद है वहाँ पे जहाँ पे वाटर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है. दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट अब हमने इरीगेशन भी कर दी तो हमारे पास हमारा एक चैलेंज रहता है कि हम अपने अपने प्लांट्स को अपनी क्रॉप को वीड्स से बचाए. वीड्स आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स जो हमें नहीं चाहिए होता है और जो जिस प्रोसेस को से हम वीड्स को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर न्यूट्रिएंट्स स्पेस एंड लाइट. वो कम्पीट करते हैं हमारी क्रॉप्स के साथ. उसको वाटर भी चाहिए न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए स्पेस भी चाहिए लाइट भी चाहिए जिससे हमारी यील्ड कम हो जाती है. फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. जिसमें हमारे पास एक मैथड आता है टीलिंग. टीलिंग से हम क्या करते हैं जैसे कि हम क्रॉप्स को सो करने से पहले हम अपरूटिंग करते हैं वीड्स को किल कर सकते हैं. और सेकंड हमारे पास जो मेथड आता है दोस्तों वो आता है मैनुअली. हम हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं. इसमें हमारे पास कुछ 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 टूल्स की वजह से खुरपी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम उनको बाहर निकालने के लिए आउट करने के लिए. तो थर्ड हमारे पास जो मेथड आता है दोस्तों वो आता है वीडिसाइड्स. इसमें कुछ कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वीड्स को मारने के लिए. तो लेकिन जब भी हम इस इन केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या करना है कि इन केमिकल्स को बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल करना है बिकॉज दे कैन हार्म आवर बॉडी. तो उसमें हमें कुछ नुकसान हो सकता है. और दोस्तों अब जब वीडिसाइड्स हो गया क्रॉप्स ग्रो कर लिए उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है दोस्तों हार्वेस्टिंग का. अब हमें कटाई करनी है अपनी फसलों की जो कि एक इम्पॉर्टेंट टास्क है. कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर. मैच्योर होने के बाद जब हम क्रॉप्स को कट करते हैं उनको काटते हैं उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग. ये लगभग 3 to 4 months लेता है फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर. तो हम जो हार्वेस्टिंग करते हैं वो हम दरांती से कर सकते हैं सिकल से कर सकते हैं या फिर मशीन से कर सकते हैं जिसको हम हार्वेस्टर बोलते हैं. तो दोस्तों इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग. दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन. जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं व्हिच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेशर. आफ्टर हार्वेस्टिंग सम टाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड व्हिच आर बर्नड बाय फार्मर्स. अब ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे कि फार्मर्स क्या करते हैं कि जब अपनी अपनी फसल लेने के बाद वहीं पे स्टब्स या फिर वहीं पे वेस्ट मटेरियल रहने देते हैं और उसके बाद उसको जलाते हैं जब तो उससे बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है और उसे बहुत सारी एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड टू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चौपाई विनोइंग भी नहीं, भी नहीं एक मेथड है जिसमें से हम क्या करते हैं हैंडल से हम एयर प्रेशर क्रिएट करते हैं. उससे क्या होता है कि जो वेस्ट मटीरियल है वो हमारी हमारे सीरियल्स से दूर कर दिया जाता है और हम फसल को अपनी क्रॉप को कलेक्ट कर लेते हैं. दोस्तों बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं हमारे इंडिया में जो हमारे फसल कटाई के साथ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स बोला जाता है जिनको हमारी कटाई के साथ उनका लिंक होता है. जैसे कि पोंगल है बैसाखी है होली है दिवाली है नवन्या है या फिर बिहू है. दोस्तों जब हमने कटाई कर ली उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो है हमारी स्टोरेज. तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर इंसेक्ट्स रेस्ट. इन सबसे हमें बचा के रखता है ताकि हमारी जो स्टोरेज है वो काफ़ी देर तक रहे और हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो ये ख़राब ना हो हमारी फसल और इसको हम टाइम टू टाइम इस्तेमाल में ला सकें इनका टाइम टू टाइम हम इनको खा सकें. ये फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राई. अगर हमने उनको ड्राई नहीं किया तो उनमें मॉइस्चर लग जाएगी और उनमें जर्मिनेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स दिए गए. जैसे साइलोस दी हुई हैं. साइलोस दी हुई हैं बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं इसमें हम अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हैं. और सेकंड मेथड जो हमारे पास है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन द गनी बैग्स. इन ग्रेनरीज में भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं. लार्ज स्केल स्टोरेज जो ग्रेन्स की हम साइलोस या फिर ग्रेनरीज में कर सकते हैं जैसे टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट्स लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स से हम इनको बचा के रख सकते हैं. हम ड्राइड नीम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम. केमिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं हम इनको स्टोर करने के लिए. तो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है दोस्तों वो ये है कि एनिमल्स को भी हम रेयर करते हैं एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर. अगर हम जब उनको देते हैं तो हमारे पास एक और इनकम का साधन बन जाता है दोस्तों वो है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री. जैसे कि फिश जो है वो हमारी गुड हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होती है गुड होती है. जैसे कि हमें कॉड लिवर ऑयल मिलता है फिश से और विच इज़ रिच इन विटामिन डी.
दोस्तों ये था फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि आने वाले वीडियोस भी बहुत ही और आने वाले टाइम में हम और वीडियोस प्रिपेयर करेंगे आपके लिए। दोस्तों अगर आपका लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।